अब जरा ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, ये नायाब वीडियो बड़ी मुश्किल से मिली है। चाहिए तो ये कि हुकूमत वाले शोर मचाए, लेकिन अफसोस ये है कि अपोजिशन वाले शोर मचा रहे हैं। उनको चाहिए, उनको उनको बता दें, अपोजिशन के लोगों को बता दें, मुस्लिम लीग के लोगों को बता दें कि अपने दौरे हुकूमत में मुल्क का खजाना आपने लूटा है। पीपल्स पार्टी के साथ आपकी जंग बहुत सड़क टूटने की है। मौलाना साहब, तुम्हारे चेहरे हमें मालूम है, तुम्हारा किरदार हमें मालूम है, मुल्क को लूटने का हमें परवेज मुशर्रफ का दौर है। हजरत मौलाना फजलुर रहमान की पांचों उंगलियां घी में, सर कड़ाही में है। मौलाना साहब चीख चीख कर नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को चोर कह रहे हैं, और आज देख लीजिए मौलाना साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को हटाने में मदद करो। यानी कुर्सी की खातिर मौलाना साहब कुछ भी कर सकते हैं। इंतहाई एहतराम के साथ मौलाना साहब से चार सवालात के जवाबात का तलबगार हूँ। पहला सवाल, फौजी आमर परवेज मुशर्रफ के साथ इक्तदार शेयर करते वक्त जमहूरियत को कोई खतरा याद नहीं आया? दूसरा सवाल, जब नवाज शरीफ और जरदारी बकौल आपके चोर हैं, आज इनके एहतसाब पर आप क्यों चीख रहे हैं? तीसरा सवाल, जब नवाज शरीफ और जरदारी आपकी नजर में चोर थे, तो इनकी 10 साल हुकूमत में आप इनके इत्तेहादी और चेयरमैन कश्मीर कमेटी किस अखलाकी शिक के तहत रहे? चौथा सवाल, आप फरमा रहे हैं कि एहतजाज हुकूमत को करना चाहिए ना कि ओपोजिशन को, फिर आप आज एहतजाज क्यों कर रहे हैं?